कोरोना महामारी ने देश और दुनिया में सभी को हिलाकर रख दिया है। सभी इससे बचने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर कोई है जिसको बहुत ज्यादा परेशानी है, खाने पीने को दिक्कत है, तो वो है बेजुबान जानवर। तस्वीरों में दिख रहा ये व्यक्ति रोजाना 19 किलोमीटर चलकर यहाँ के बंदरों को खाना खिलाने आते हैं। ये है आलोक गुप्ता, एक कंपनी में बकायदा ये मैनेजर हैं। अब जब कोरोना वायरस को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद जिस तरह से लोगों के हाथ एक दूसरे की मदद के लिए उठे हैं, ठीक उसी तरह से इन बेजुबान जानवरों के लिए आलोक गुप्ता सामने आए हैं। दरअसल ये गोवर्धन में बंदरों को जाकर फल खिलाते हैं, वहीं भूखी गायों को चारा भी डालते हैं और भूखे लोगों को भोजन भी देते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, इस वक्त पूरा देश भारी मुश्किलों का सामना कर रहा है। ऐसे लोगों के अलावा जानवर भी परेशान हैं, उन्हें खाने को नहीं मिल रहा है। इलाके में ऐसे जानवरों को खाना खिलाता हूँ, बंदर गाय कुत्ते को खाना देता हूँ, मुझे यह सब करना अच्छा लगता है। इसके अलावा जो गरीब लोग फुटपाथ पर होते हैं उन्हें भी भोजन उपलब्ध करता हूँ। लगभग मैं ये कार्य बहुत दिन से कर रहा हूँ, जब से कोरोना महामारी बीमारी है, लेकिन ये कार्य तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। मेरे गुरुजी का आदेश है कि लोगों की सहायता करो तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम जरूर मिलेगा। श्री राधे जय माता रा गुरु कृपा करो। बहरहाल ये प्रयास काफी छोटे स्तर पर है और सड़कों पर घूमने वाले जानवरों की संख्या बड़ी तादाद में है। ऐसे में सभी जगह अगर लोग अपने आसपास मौजूद जानवरों के खाने पीने की थोड़ी थोड़ी व्यवस्था भी करें तो इनका पेट भी आसानी से भरा जा सकता है। मथुरा से मदन मोहन शर्मा के साथ गौरव कुमार पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।